बैठो माँ, एक मिनट। नजदीक आओ माँ, कहाँ से हो? आदिपुर। डीसी भाई, ये गांव का नाम है कि आपका नाम? हो सकता है गुजरात है भाई, डीसी भाई हो महाराज जी? बोले शू नाम से? डीसी भाई। हम तो डर गए थे, हम माताजी डर गए थे, बच्चे है ना, डर गए हम। तो गांव का नाम है डीसी भाई। ऐसे ही गुजरात में एक नाम है पादरा। हम अभी गए राजकोट में ही, हमारे किशोर जी आ गए, किशोर जी ने हमें बुलाया राजकोट। राजकोट में कथा में या दरबार में हमें ध्यान नहीं, पर हमें आज भी याद है। गुजरात है, अपना गुजरात अद्भुत है। लेकिन एक बात बोले, हम भी गुजराती छे, हम भी गुजराती ही हैं। और सच बताएं, गुजरात में जो भक्ति है और जो उदार दिल है, वो भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और किसी भी देश में चले जाओ, आपको उस देश में कोई मिले या ना मिले, हमारे गुजराती भाई झंडा लगाए हुए मिलेंगे। और साहब, किसी भी देश में चले जाओ, अपनी भारत की याद आए और तुमको याद आए धावेली, फाफड़ा और ढोकला, और आपको खाने का मन करे, चले आओ। गरबा, गरबा का भाव देखना हो तो गुजरात में आपको, विदेशों में आपको कुछ मिले या ना मिले, ये जरूर मिलेगा। और कोई ऐसा देश नहीं जहां हमारे भारत में रहने वाले भक्ति का प्रदेश गुजरात के लोगों ने सनातन का झंडा ना गाड़ रखा। और एक बात और हमें बहुत प्यारी लगती, इसलिए हम गुजरात वालों को अपना हम भी गुजराती बन गए, इसलिए अच्छा लगता, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वहां पर सनातन मंदिर जरूर बनाते, नाम भी सनातन रखते। हम अभी गए यूके, गए अन्य जगह गए, बोले सनातन। हाँ, जो बहन चली आ रही आगे वाली, आप आ जाओ, आपकी अर्जी लग गई। यस, आपको लगता था कि हम घर जाएं, कौन लगेगी, लाखों लोग हैं। नहीं नहीं, यू कम हियर माय डियर सिस्टर। बोलो मां, क्या चाहते हो? किसको? ठीक है, आपको बेचैनी भी होती है तो डॉक्टर को नहीं दिखवाया? ठीक, और पूछो। हाँ, हार्ट में भी दिक्कत बताई? अच्छा, पहले हमें हमारे पास आपके बारे में आया, हम पर्चा में आपको बताते हैं। आपको बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चक्कर बनने लगते हैं, घुटनों में असहनीय दर्द रहता है, उपद्रव बहुत मचा हुआ। आपके घर से मतलब उनको शुगर का रोग बना हुआ है, शुगर बीपी की दिक्कत बनी हुई है हार्ट में। हाँ, कौन है ये तुम्हारे? आ जाएंगे वो? ठीक है, आप हम पे छोड़ो, हम अभी झाड़ा लगा देते हैं, और आपका कोई ऑपरेशन नहीं होना, ना कोई एंजियो वगैरह होना है, टेंशन मत।
एक बार उनको आना पड़ेगा। अच्छा, उनको क्रोध भी बहुत आता है, लड़ते बहुत हैं, हैं? आता है? ठीक है माता, वो भी ठीक हो जाएगा। हमने उनके बारे में भी ये निकाल लिया, हम विधि कर देंगे आपको, हम अभी झाड़ा लगा देते हैं, कोई ऊपरी बाधा नहीं, कोई ऊपरी बाधा नहीं। कुल पूजा में दिक्कत हो रही है तो कुलदेव रुष्ट हैं, तो कुलदेव की आपको पूजा ठीक से करनी है, और हम आपको भभूति देते हैं, एक बार बालाजी के आप दर्शन कर लेना, आशीर्वाद है। पक्का 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 पक्का। हाँ पधारो, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की। हाँ, हाँ मंत्र लिखो है। हाँ हाँ, इसमें हमने पूरा ऊपर वाले में लिखा, नीचे वाले में भी आपको लिखा। ऊपर वाली लाइन में लिखा और नीचे वाले में मंत्र लिखा। आओ राम बोलो, बागेश्वर धाम की जय। जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? तो तुम्हें क्या लगता था माता अर्जी नहीं लगेगी? कहां से है बहना, कहां पड़ता है? भरूच। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं पे। क्या समाधान चाहते हैं? थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि आप पर्चा पढ़ सको। ऐसा मुंह कर लो लाली ठाकुर जी की तरफ, पूछो। उनका अच्छा, उसका नाम क्या है? दो नाम है ना, उनमें तो देखो उनके मन की जो हम बता रहे हैं। पहले हमने ऐसा लिखा, आपके घर में मंगल हो, सुख शांति रहेगी, सभी कार्य पूर्ण हो गए। आपने रिश्तेदारी की अर्जी लगाई हुई है, रिश्तेदारी में ननंद के बालक की अर्जी लगाई हुई, शून्यपन है। जय हो बागेश्वर धाम की। शून्यपन है और शून्यपन पूरे शरीर में 2010 से लगातार बना हुआ है, ठीक है? हाँ, पूरे शरीर में उनको दिक्कत बनी हुई है, चलने में भी असंभव दिक्कत असंभव है, कमर के नीचे उनको दिक्कत आई है। दूसरी, एक भतीजे की मृत्यु के बारे में जो चर्चा आपने की, उनके हमने मनोभाव को पढ़ा तो वो लौटवाना चाहे थे, उन्होंने ऐसी अर्जी लगाई, तो क्या वो धाम आ सकते हैं? आप पहुंचा, आप रो ना, क्योंकि सदा राम पहले जो ननंद का बालक है उसको पहले सिर से संबंधित कोई दिक्कत हुई थी? हाँ, और इसमें हमारे में जो जांच दे रहे हैं शायद गलत हो, और उनको बीच में पहले चक्कर या सिर बोझ क्या बना था? एक बार उनको आना चाहिए।
हमारे में क्योंकि नहीं, वो झटका से ही गिरे, झटका से ही गिरे, हाँ तो सही है, चक्कर वाली बात, आप उनको भेजो, वो झटका हम पे छोड़, हम लौटवाएंगे इनसे लड़कर, खुश, इसी में मंत्र लिखा वो दोनों के लिए। सीताराम जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, इसी में मंत्र है दोनों के लिए। भभूति वहां से आपको तीन पुड़िया लेनी है, भभूति भाई के पास पहुंचानी है और रिश्तेदारी वाले ननंद के पास, उनको पूरे शरीर में मालिश करवानी है। हम विधि प्रयोग मंगलवार को पेशी में करेंगे दरबार, ठीक है, चलो आशीर्वाद। राम राम जय बागेश्वर धाम की जय, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की।